हाय एवरीवन, तो आज एक और पर्सन हमारे साथ है, मिस्टर हिमांशु। बहुत वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, तो आइए जानते हैं कि पहले स्पेशली ये करते क्या हैं और इनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है। प्रदीप जी, मैं बेसिकली मीडिया फील्ड से हूँ। ओके। और फ्रॉम लास्ट 17-18 इयर्स मैं इस फील्ड में रहा हूँ। और अच्छी चीज ये रही है कि ये पैशन रहा है। और पहले 12-13 साल मैं रेडियो में रहा हूँ, अलग अलग पंजाब के पार्ट्स, राजस्थान, अलग अलग जगह पे रहा हूँ। और उसके बाद मैं फिर 9X में रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 6-7 इयर्स। ओके, ठीक है। सो आई बेसिकली हैड 9X स्टेशन एंड 9X सर्वर। और मुझे कुछ पता चला आपके बारे में कि आप शायद इंडिया को बाहर भी हिट कर चुके हैं। हाँ, अवार्ड्स भी आपने जीते हैं स्विट्जरलैंड और लंदन में। सो बेसिकली कुलदीप जी, क्या था उसमें कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हमने CSR प्रॉपर्टीज ऐसी की थी जो लोगों को काफ़ी अच्छी एंगेजिंग लगी और काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस आया। तो इसके लिए हमारी टीम थी माया रंगी, जिसको हमने इंडिया को बेसिकली रिप्रेजेंट किया ज्यूरिख में। हमने न्यूयॉर्क में काफ़ी अवार्ड्स इस पर जीते। सो इस तरह की यूँ कह लो कि कुछ कॉन्सेप्चुअल, कुछ क्रिएटिवली चीज़ें जो हैं वो इन पास्ट की गई, जो शायद जजेस को भी पसंद आई, लोगों को भी पसंद आई, और उसके उसी वजह से फिर हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। तो आप एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इतना कुछ लाइफ में अचीव करने के बाद एक अपनी ही फील्ड में, उस फील्ड में जिस फील्ड का मुझे पैशन, जिस काम का मुझे पैशन है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आदमी को, अगर इंसान को ये लगता है कि यार मैं अपने बेस्ट पोटेंशियल पे नहीं हूँ या मैं अपने पीक पे नहीं हूँ, तो उसको कैसे पाया जा सकता है, उसके लिए इन्होंने डीपीटी टेस्ट कराया अपना। और उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा इनका, आइए जानते हैं। तो आपको इस टेस्ट कराने से पहले जो मन में डाउट्स थे, कुछ सवाल थे बहुत सारे अपने फोकस को लेके, अपने करियर को लेके कि मैं किस लाइन पर ज्यादा फोकस करूँ, भले ही इसी एंटरटेनमेंट लाइन में रहूँ, तो वो कितने परसेंट दूर हुए डाउट और क्या एक्सपीरियंस रहा वो बताइए। बेसिकली एक तरह से ये टेस्ट जो था वो एक रीइंफोर्समेंट ही हुआ मेरे लिए, जिसमें मुझे बेसिकली टेस्ट तो मैंने एक एक्साइटमेंट में लिया था कि यार चेक करते हैं कि क्या सही है, क्या नहीं है, क्या सही किया गया, क्या नहीं किया गया, और इतने साल हमने जो किया वो सही भी था या नहीं। सही बात, ठीक है। सो इस वजह से प्लान करते हुए मैंने आपका टेस्ट दिया। और अच्छी चीज ये कि जो मैंने अभी तक किया वो बिल्कुल बढ़िया था, अच्छा था, पर उसको और बेहतर बनाने के लिए या कुछ शायद ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें थी जो मैं अपनी पर्सनैलिटी के लिए ऐड नहीं कर पा रहा था, जो टाइम नहीं मैं दे पा रहा था, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो और स्ट्रांगली और कन्विक्शन और फोकस्ड अप्रोच से वो मैं कर पाऊंगा। और मैं बाकी को भी सजेस्ट यही करूंगा सभी को कि कई बार हमें लगता है कि यार ये भी मुझे करना चाहिए, पर हम शायद टाइम कह लो, आपके स्केड्यूल्स कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लो फैमिली की या प्रोफेशनली, बट आपको वो परस्यू करनी चाहिए, क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता कि वो परस्यू करने से आपकी बाकी बाकी चीजों में भी और चीजें बिल्ड हो जाए, है ना। कई बार क्या होता है कि आप, हो सकता है कि डिसीजन मेकर हैं, आपने अपने आप डिसीजन ले लिया, जो चीज अंदर से इंस्टिंक्ट आई, कॉलिंग आई, लेकिन कई बार कई लोगों के साथ होता है कि उन्हें लगता है कि मैं इस चीज में बेस्ट हूँ, कर सकता हूँ, बट उन्हें अप्रूवल नहीं मिलता किसी दूसरे पर्सन का, ये कोई कहने वाला नहीं होता कि हाँ यार यू कैन डू दिस। तो उन लोगों के लिए ये रिपोर्ट हेल्प कर सकती है, टेस्ट हेल्प कर सकता है कि जिसमें क्लियरली मेंशन है, लिखा है कि आप इसी चीज के लिए बने हो, राइट, आप अगर ये करोगे तो आप उसमें बेस्ट कर पाओगे, अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाओगे। बिल्कुल। सो जितना आपने एनालिसिस शेयर किया, इतना डिटेल्ड, सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद करियर के स्टार्टिंग में ही, या शायद करियर भी क्यों स्ट्रीम चूज करने के स्टार्टिंग में ही, बिलो 10th क्लास मुझे लगता है कि बिल्कुल बिलो 10th क्लास, जिससे आपको पता लगे कि आपका बाय डिफॉल्ट क्या है। मैं नॉर्मली बाय डिफॉल्ट में बिलीव करता हूँ, तभी हम 9X में बाय डिफॉल्ट नेचर के हिसाब से रखते हैं कि यार ये बाय डिफॉल्ट है तो ये राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम पे कर पाए, बट उस बाय डिफॉल्ट के आगे भी क्या स्टेप्स हो सकते हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो आपने जितना डिटेल्ड डिस्कशन में भी और डिटेल्ड एनालिसिस किया है वो काबिल तारीफ है। Highly recommended कि जब भी, चाहे अब आप फर्ज कीजिए कि इस वक्त 45 एज हो गई, हाँ, किसी भी एज ग्रुप में, या फर्ज कीजिए कि अभी आपने सोचा है कि यार मुझे 8th में ये स्ट्रीम लेनी है या 10th में ये स्ट्रीम लेनी है, या मैं ये स्पोर्ट्स चूज करूँ या ना चूज करूँ, राइट,
ठीक है, तो वो सारे डिसीजन जो है आपके पास साइंटिफिक लॉजिकल तरीके से आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है, चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हो, अपना करियर चूज करते हो, तो मैं मानता हूं हिमांशु जी कि एक दिन या एक रात का खेल नहीं है, ओवर द नाइट का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कई साल लगते हैं किसी फील्ड में लेजेंड बनने। Absolutely. तो अगर ये चीज जितनी जल्दी पता चलती है, जितनी जल्दी आप ट्रैक पे आ जाते हो, राइट ट्रैक पे, तो आपको उतनी ही जल्दी आप अपने बेस्ट प्लेस पे होंगे लाइफ। बिल्कुल, जैसे फर्ज कीजिए कि स्पोर्ट्स खेलने का शौक हर एक को है, हर एक को होता है, और अगर वो 14-15 साल में सोचता है यार मैं तो क्रिकेटर बन सकता हूँ, ठीक है, बट शायद उसने अगर ये टेस्ट दिया हो और उसको पता लगे कि यार उसका ब्रेन तो सुपर फास्ट है, उसकी बॉडी फिजिकल और उससे मैंने क्या अचीव किया या मैं क्या वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पा रहा हूँ, वो तभी वो कर पाएगा अगर उसने उसी पिच पे खेला है जिस पिच का वो है। सही बात, अगर वो क्रिकेटर है और वो फुटबॉल में खेल रहा है तो वो शायद वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, तो क्रिकेटर में ज़्यादा अच्छा एंजॉय कर पाएगा, अपने हमेशा रिग्रेट फील रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा लगेगा कि शायद मैं परफॉर्म और बेहतर कर सकता था। तो इस टेस्ट के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि इतना बारीकी से आपने बताया है, इतनी मेहनत से पूरा पिरोया है, तो मुझे लगता है कि लोगों को और इसमें इसकी सैम्पलिंग करनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि आपको आंसर मिल रहा है, मैं ये नहीं कहता आपको गलत मिल रहा है, सही मिल रहा है, बट आपको ये टेस्ट करना चाहिए अगर ये मार्केट में अवेलेबल है। मुझे पता होता ये पहले है, सो मैं शायद और इससे पहले इस वीडियो के माध्यम से और बताना चाहूंगा कि हम इंडिया में 124 शहरों में है, आप जिस भी शहर से हैं ये वीडियो देख रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, और मे भी हो सकता है आपके शहर में ऑलरेडी हमारी टीम हो और आप ये टेस्ट करा सकते हैं अपना भी अपने बच्चों का भी। तो थैंक यू सो मच हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए, थैंक यू, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया।